उत्पाद विभाग की पुलिस ने तकरीबन 50 लाख रुपयों की शराब से भरी एक कंटेनर को जब्त किया है। यह खेप चंडीगढ़ से पटना ले जाई जा रही थी, साथ ही दो तस्करों को भी पकड़ा गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। जिस कंटेनर को जब्त किया गया है उस पर डाक पार्सल लिखकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यह कोशिश नाकामयाब रही और स्कैनर के माध्यम से कंटेनर में शराब की बोतलें भरी होने का खुलासा हो गया। मामले में जानकारी देते हुए उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद ने बताया कि वीर कुंवर सिंह सेतु पर नियमित रूप से वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत पुलिस ने सोमवार की सुबह तकरीबन 8:30 बजे यूपी की सीमा से बिहार की सीमा में प्रवेश कर रहे एक डाक पार्सल लिखे कंटेनर को देखा और चालक को रोका। चालक से यह कहा गया कि वह वाहन खोलकर यह दिखाए कि उसमें क्या भरा हुआ है, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार किया। बाद में स्कैनर मशीन से शराब पकड़ में आई, जिसके बाद दोनों को हिरासत में लिया गया। अभियुक्तों से पूछताछ जारी है। नए साल में ये बड़ा एचीवमेंट है, इसके पहले भी एक गाड़ी पकड़ी गई थी, 680 लीटर उसमें माल था, मछली सहित पकड़ा गया था। ये साल का दूसरा बड़ा एचीवमेंट। और मेरे ASI अमरजीत उस समय ड्यूटी पर थे, स्कैनर से जांच चल रही थी, उसी क्रम में एक गाड़ी 8:30 के आसपास वहां पहुंचा, उसकी जांच होने पर इसमें बोतल होने का संदेह हुआ। उसके बाद इसको खोल कर देखा गया तो ये पुष्टि हो गई कि इसमें शराब है। ये गाड़ी चंडीगढ़ से पटना आ रही थी, इसमें दो व्यक्ति मौजूद थे, एक मनदीप कुमार रमेश कुमार, ये इसार हरियाणा का रहने वाला है, दूसरा कृष्णा यादव रणधीर यादव साकी हरिपुर सोनबरसा कचहरी जिला सहरसा का ये रहने वाला है। ये दोनों व्यक्ति को गिरफ्तारी हुई है, गिनती का काम अभी जारी है। और लगभग कितने का होगा? देखने से तो लगता है कि 400 पेटी के आसपास होना चाहिए, जो संभवतः शराब तस्कर देश के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह से बिहार में शराब तस्करी का मंसूबा पाल रहे हैं, हाँ, तो किस तरह से ये कार्रवाई हो रही है सर? कार्रवाई हो रही है कि मैंने पिछले बार भी उसका जो ट्रक और कार जो पकड़ा है उसके थौरो जांच किए हैं, थौरो जांच में उसका बेस तक पहुंचे हैं। कुछ आदमी जो ये भी मालूम हुआ था कि गाड़ियां बेच दिए हैं, फिर उसकी जांच हुआ तो वो कंपनी को बेचे, फिर वो कहा कि हम इसको बेचे, और वो करते करते हम लोग पार्टी पर पहुँच गए। इसी तरीका से जाँच चल रहा है और इसके भी हम लोग मूल तह तक जाएंगे। ये नेटवर्किंग क्या लग रहा? नेटवर्किंग वही है कि हरियाणा से बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं और गाड़ियां को भेजते हैं, माने वो कंपनी और ये सब के नाम पर। अभी तो जांच की विषय है। क्या लगता है सर, अनुमानित कीमत कितनी होगी इसकी? अनुमानित कीमत तो 50 लाख के आसपास होनी चाहिए। शराब की बड़ी खेप पकड़ने के बाद पुलिस अब इसके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। शराब कहां से आ रही थी और कहां ले जाना था इसकी जानकारी जुटाने के साथ साथ वाहन स्वामी को भी पकड़ने की कोशिश हो रही है, ताकि इस बात का खुलासा हो सके कि शराब तस्करी के इस नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं और कौन लोग ऐसे हैं जो कि बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद लगातार शराबबंदी कानून का उल्लंघन करते हैं और शराब की खेप यहाँ पहुँचाते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश से बिहार की सीमा में प्रवेश करते हुए पिछले कुछ महीनों में ही यहां करोड़ों रुपयों की शराब पकड़ी गई है। वीर कुंवर सिंह सेतु पर लगातार शराब की खेप पकड़ी जा रही है और तस्करों के मंसूबों को नाकामयाब किया जा रहा है। बावजूद इसके तस्कर लगातार शराब की बड़ी खेप लेकर वीर कुंवर सिंह सेतु के रास्ते उत्तर प्रदेश से बिहार की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं और शराब तस्करी की कोशिश कर रहे हैं। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि पिछले महीने जहां ताबड़तोड़ कई बार शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई, वहीं इस साल भी साल के शुरुआत में ही शराब की यह बड़ी खेप पकड़ी गई है। उन्होंने कहा कि लगातार शराब की खेप पकड़े जाने का सिलसिला जारी रहेगा, किसी सूरत में शराब तस्करी को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि न सिर्फ वीर कुंवर सिंह सेतु पर बल्कि करमनासा और देवल चेक पोस्ट पर भी लगातार निगरानी जारी है और शराब तस्करों पर कार्रवाई भी लगातार हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद शराब पीना और बेचना दो
दोनों मना है, बावजूद इसके यदि कोई तस्करी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होना तय है। उन्होंने इस कार्रवाई में शामिल पूरी पुलिस टीम को बधाई दी है और कहा है कि वह नियमित रूप से इसी तरह का अभियान चलाते रहें।